हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशाज कुकिंग। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़े। सबसे पहले हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कप बेसन लिया है, आधा कप कटी हुई प्याज, एक चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, सब अच्छे से मिला देना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक सॉफ्ट बैटर तैयार करना है, जिससे हमारे पकौड़ा सॉफ्ट बने। बैटर को अच्छे से हिला के 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, अब हम बैटर को अच्छे से हिलाएंगे। इसमें एक पिंच सोडा डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम पकौड़ा बनाना शुरू करेंगे। पकौड़े को मीडियम फ्लेम पे हमें एक दो मिनट तक पकाना है। एक दो मिनट के बाद पकौड़े को हमें बाहर निकाल के रख देना है। अब हम कढ़ी का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। बेसन को पहले थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे उसमें गट्टे ना पड़े। अच्छे से बैटर रेडी हो गया। अब हम इसमें फटी हुई दही डालेंगे। दही डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम तड़का लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑयल में तेज पत्ता, लाल सूखी मिर्च, राई, जीरा, मेथी दाने। मेथी दाने का स्वाद कढ़ी में बहुत अच्छा आता है, इसलिए मेथी दाना जरूर डालना। उसके बाद पीच हींग। अब सबको अच्छे से हिलाना है। अब हम तड़के में चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे। सबको मिला के अच्छे से 1 मिनट तक भुनना है, और उसके बाद हम इसमें तैयार किया हुआ दही वाला बैटर डालेंगे। अच्छे से तड़के के साथ मिक्स करना है, और इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, धनिया जीरा पाउडर करके अच्छे से मिक्स कर देना है सबको। सबको मिक्स करके हमें जितना दही का बैटर लिया था, उससे 3 गुना यहाँ पर हम पानी डालेंगे। कढ़ी में जब तक उबल आए, तब तक हमें उन्हें हिलाते रहना है। कढ़ी में नमक हमेशा बाद में ही डालना, जिससे हमारी कढ़ी कभी फटे नहीं और अच्छी बने। कढ़ी में उबल आ गया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे।
अब हम कढ़ी को मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसमें पकौड़े डालेंगे और अच्छे से हिला देंगे। उसके बाद धनिया पत्ता डालेंगे। कढ़ी को अच्छे से मिक्स करके अब हम उस पर तड़का लगाएंगे। तड़के में अब हम जीरा, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च से कढ़ी में तड़का लगाएंगे। इसका स्वाद कढ़ी में बहुत अच्छा आता है, ये ज़रूर लगाना आप। तड़का डाल के कढ़ी को अच्छे से हिलाना है और उसके बाद उसे सर्व करना है। ये कढ़ी पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनता है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।